कि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी डालने का भी जो तरीका होता है ना, वो भी अगर आपने गलत कर दिया तो फिर बच्चे के मुंह में से सीधा फेफड़े में जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानी आती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज के नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज का जो ब्लॉग है, आप लोगों को थंबनेल से तो पता ही चल गया है कि न्यू बोर्न का बाथ से रिलेटेड आज वीडियो होने वाली है। तो क्या क्या वीडियो में होगी आप लोगों को चलो डिटेल्स से दिखाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो जो है जो नहाने की है वो उन माओं के लिए हैं जो कभी भी अपने बच्चे को कभी नहीं नहलाई हो। बहुत इजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे के कान से, नाक से, मुंह से पानी ना चला जाए। अगर गलती से चला जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप को आप लोग समझिएगा, क्योंकि अगर आधा अधूरा देख के हम लोग चले जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पूरा सीख नहीं पाते हैं, और सीख नहीं पाते हैं तो फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर हमने गलत तरीके से कर दिया तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मजाक नहीं होती हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को अच्छी तरह से समझें और उसके बाद ही अपने बच्चे पर अप्लाई करें। अन्यथा आप लोग जो धाई माँ है आप लोग उसी से कराएं, खुद से बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी डालने का भी जो तरीका होता है ना, वो भी अगर आपने गलत कर दिया तो फिर बच्चे के मुंह में से सीधा फेफड़े में जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी परेशानी आती है। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे को नहलाना। तो दोस्तों, आज मैंने ये डमी लिया हुआ है क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है, तो इसलिए मैं इस डमी पे करूँगी आज। तो आप लोग देखिए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो कपड़े हम लोग उतार लेंगे बच्चे के, और जैसे गांव में नहलाया जाता है दोस्तों, पैरों में ना इस तरह से, पैरों में बच्चे को इस तरह से रखा जाता है ऐसे, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों अपने उसमें पैरों में एक हल्का सा पतला कपड़ा बिछाएंगे सूती का, ताकि जब बच्चे को हम लोग लिटाएं, साबुन लगे तो बच्चा स्लिप ना करे। तो इस तरह से अपने टो वाले हिस्से में बच्चे का सिर टिकाएंगे, और उसके बाद फिर कोई भी जेंटल सोप जो होता है बच्चों के लिए स्पेशल आता है, वो सारा सोप लेके और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करने टाइप का, क्योंकि अभी मसाज के बाद की ये नहला रहे हैं ना, तो ऑयल बहुत ज़्यादा लगा रहता है, तो इसलिए अच्छे से करना है। ये पैरों के उंगलियों के बीच में भी जो तेल है ना वो चला जाता है, और अच्छे से साफ़ नहीं करने पर वहाँ जम जाता है, गंदा काला काला इस तरह से दिखता है कभी कभी। तो इसलिए ये सबको भी, दोनों हाथों की और पैरों की, इसको अच्छे से आप लोगों को साफ़ करना है, और उसके बाद फिर आप लोग मग से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्का हल्का, पूरा भर के मग नहीं डालना है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से डाल के पूरा फ्रंट वाले पोर्शन को हम लोगों को साफ करना है। और उसके बाद फिर हम लोग अब बैक में जाएंगे, क्योंकि सिर और जो फेस है और सिर है वो सबसे लास्ट में किया जाता है बच्चे का, और उसके बाद फिर हम लोग इस तरह से फ्रंट में आएंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है ना, जिस तरह से हम लोग फ्रंट में किए वैसे ही हम लोग बैक में भी करेंगे, लेकिन उसमें रखने का भी तरीका होता है गोद में। देखिए इस तरह से आप लोग टो में अगर टिकाएंगे ना तो बच्चा स्लिप नहीं करता, ऐसे बीच में रखने से कभी इधर कभी उधर ऐसे स्लिप करता है, तो टो में इस तरह से टिका के रखने से बच्चा आराम से रहेगा, फिर उसका पीठ का पोर्शन, उसका बम्प का और पैर का अच्छे से साबुन कर लेने के बाद फिर से उसको हल्के हल्के पानी डाल के इस तरह से साफ करना है, नीचे की तरफ इस तरह से करके पानी उतार देना है दोस्तों, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर अब हम लोग उसका फेस साफ करेंगे। ये फेस के लिए हम लोग ऐसे सीधे रखेंगे बच्चा को, और उसको एक हाथ से उसका जो गर्दन वाला पोर्शन है ना, गर्दन में एक हाथ से अच्छे से उसको होल्ड करेंगे, और दूसरे हाथ से साबुन लगा के फिर फेस में हल्का हल्का लगाएंगे दोस्तों इस तरह से। और उसके बाद फिर आप लोग मग से नहीं डालना है फेस में, ऐसे चुल्लू बना के लेना है, और चुल्लू से ऊपर से नीचे की ओर इस तरह, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को ऐसे, फिर से देखिए ये ऐसे करके इस तरह से करना है फेस में, क्योंकि बॉडी में तो हमने डायरेक्ट मग से डाला लेकिन फेस में नहीं डालेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे क्या है अब हम लोग सिर को करेंगे, तो इस तरह से हम लोग साबुन लेंगे और ऐसे, और देखिए सिर को भी ना पकड़ने का तरीका होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये जो ठुड्डी, हाँ यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को होल्ड करना है, ताकि बच्चा गर्दन इधर उधर घुमाए ना,
इस तरह से होल्ड करके और ऐसे करके आप लोगों को साबुन लगाना है और उसके बाद फिर पानी आप लोगों को इस तरह से डालना है। जो बहुत ज़्यादा जो मालिश में एक्सपर्ट होती है उन लोग ऐसे डाल के करती हैं, अगर आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं तो फिर इसके अलावा मैं और एक तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से सीधा करने के बाद ये जो है ना इस तरह से, ये देखिए, ये रुकिए सामने से दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लोग को लेना है। अगर डालने आप लोग को नहीं आता है तो ये पानी चुल्लू से ले लेके इस तरह से आप लोगों को सिर को भी साफ कर लेना है। साफ कर लेने के बाद फिर ऐसे थोड़ा सा कान के आसपास यहाँ सब झाग वाग रहता है वो सबको पूरा क्लियर कर देना है और उसके बाद फिर ये कपड़ा हटा लेना है और फाइनल उसको बच्चे को जितना भी साबुन झाग है ना सारा कुछ हटाने के बाद फिर ये जो टॉवल में तो पूरा साबुन लग गया इस टॉवल को हटा देंगे, फिर ऊपर से पानी डालेंगे और बाबू नहा के रेडी। आई होप दोस्तों आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये जो बच्चे को नहलाने का मैंने वीडियो बनाया है आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।